सुप्रभात सभी को, नमस्कार। सभी का स्वागत इस सुंदर मॉर्निंग लाइव ऑनलाइन क्लास में। हमेशा की भांति शुरुआत करेंगे कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। हमारे साथ जिज्ञा सुंदर डेमो के लिए आइए। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे तानना प्रारंभ करें। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें। रीढ़ गर्दन यथा संभव सीधी रखें, मुस्कुराते हुए करते जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे। सभी करें जी प्रयास, जरूर करें। पूरे उत्साह के साथ करें, मुस्कुराकर करें, रीढ़ गर्दन सीधी रखकर करें। करते जाइए, करते जाइए। एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाएं, एक बार बाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का बड़ा सुंदर प्रयास। दोनों पांव से एक साथ करेंगे। कोशिश करें घुटने भी मिले रहें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, करने से ही होगा जी। आ जाएंगे वापस, तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, मुस्कुराते रहें। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियों को पास में लेकर आए, दोनों हाथों से पंजों को पकड़ें और पूरी मस्ती के साथ कमर को सीधा करके घुटने ऊपर नीचे करें। सभी करेंगे जी, बिना समय गवाए करें। कोशिश करें क्लास शुरू होने से पहले हम अपनी पोजीशन में आ जाएं। एक एक सेकंड का सदुपयोग करें। कमर को बिल्कुल भी ना झुकने दें। रीढ़ गर्दन यथा संभव सीधी रहे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थोड़ा मुस्कुराहट लेकर आइए। कितने भाग्यशाली हम सब, दिन की शुरुआत प्रतिदिन सामूहिक योगाभ्यास से करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एड़ी को आगे मत जाने दें बिल्कुल भी। धीरे धीरे आएंगे वापस, तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। लगातार प्रसन्नता हो। आइए पद्मासन लगाएंगे। पहले दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें, फिर बाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास बिल्कुल सहज हो जाएं। पूरा ध्यान केवल और केवल आते जाते श्वासों पर हो। मन को शांत एकाग्र होते हुए देखिए। मन की लघु लहरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं।
तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। मुस्कुराइए, गहरा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। सबसे पहले थोड़ा बॉडी को हम ट्विस्ट करेंगे, राइट साइड में थोड़ा ट्विस्ट करें गर्दन सहित अधिक से अधिक, फिर लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करें। हर प्रयास पिछले प्रयास से बढ़िया हो, करें जी करें, सभी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते जाइए करते जाइए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, मुस्कुराकर करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, तनिक विश्राम ले लें। अपने दोनों हाथ अपने साइड में रखें हथेली आसन पर। अब अपने बाईं हथेली को थोड़ा आगे सरकाकर कोहनी भी नीचे रख दें, कोहनी भी आसन पर। और अब अपने राइट हैंड को ऊपर लेकर जाएं, खींचे ऊपर से ऊपर जैसे त्रिकोण आसन करते हैं, और धीरे धीरे भुजा को लेकर आए पृथ्वी के पैरेलल। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। कोहनी लगी रहे लेफ्ट हैंड की, हथेली लगी रहे लेफ्ट हैंड की आसन पर, राइट हैंड कोशिश करें जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सामान्य श्वास में रुकें, आंख बंद करके रुकें, आगे तो बिल्कुल भी ना झुकें। भुजा लगातार कान के साथ होनी चाहिए। बहुत बढ़िया खिंचाव आ रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, भुजा को एक बार खींचेंगे और तानते हुए भुजा को साइड में लेकर आएंगे। इसी अवस्था में रुकें, श्वास को सामान्य करें, जोर जबरदस्ती कोई ना करे जी, क्षमता को ध्यान में रखकर करें जी। अब पुनः मन मनाएं, राइट हैंड की हथेली आसन के ऊपर और सरकाते हुए आसन की साइड में ही थोड़ा सा आगे की ओर लेकर जाएं और कोहनी भी टिका दें। और अब लेफ्ट हैंड को ऊपर लेकर जाएं, खींचे ऊपर से ऊपर, और अब जो है बगल से दाईं ओर झुकें। करिए करिए, भुजा कान के साथ, नीचे आपकी कोहनी और हथेली भी बिल्कुल भुजा के पैरेलल आसन के ऊपर। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, सामान्य श्वास में रुकें, आंख बंद करके रुकें।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बड़ा अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। समझ में ना आए अवश्य देखें, घुटना भी ना उठे। बहुत शानदार, बड़ा मन आनंद आ रहा है देख करके। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, भुजा को ऊपर खींचें, ताने और तानते हुए भुजा को साइड से नीचे ले आएं, पांव को सीधा कर दें, आंखें कोमलता से बंद, बिल्कुल सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स हो जाएं। कोई भी क्रिया में जबरदस्ती ना करें जी, कहीं पर भी घबराहट लगे, बेचैनी लगे, पूरी तरह आप विश्राम लें, लेट भी सकते हैं। दोनों पांव को मिलाइए, पंजों को तानिए, दोनों हाथों को क्लैंप करिए और चक्की चलाएंगे, आगे से आगे आएंगे, पूरे कटी भाग को घुमाएंगे, कोशिश करें कोहनी ना मुड़े, पीछे से पीछे जाएं, बड़े से बड़ा घेरा बनाएं, कोशिश करें कलाई मेरी आगे से आगे आए। प्रयास में बिल्कुल कमी ना आने दे जी, करिए करिए सब लोग करिए, बहुत शानदार। कमर का उपयोग करना है जी, मैंने पंजों को तान के रखना है, रिवर्स भी करें, विपरीत दिशा में करें, करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। घुटने के नीचे गैप ना आने दें, पंजे को ताने जी, पंजों को ताने, पंजे ढीले छोड़ दिए। समझ में आ जाए तो आंख भी बंद कर लें, ताकि पूरा ध्यान मेरा क्रिया पर रहे। आ जाएंगे वापस, तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर दें, एकदम रिलैक्स, मुस्कुराते रहिए। आसन के ऊपर बिना सहारा लिए एक बार में ही खड़े हो जाएंगे जी, कोशिश करें जी खड़े हो जाएं, और एक बार में ही अब बैठ जाएंगे बिना सहारा लिए। बैठिए जी बैठिए, बहुत बढ़िया, फिर से खड़े हो जाइए। करिए करिए फिर से एक बार बैठिए, फिर से खड़े हो जाइए। चलिए जी वापस, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद, खड़े होने की कुछ सुंदर क्रियाएं प्रज्ञा कराएगी आज हमारे को, प्रज्ञा बेटी सुंदर क्रियाएं कराएंगी। करेंगे अपने आसन पे जॉगिंग, अपने आसन पे आगे पीछे भी हो सकते हैं, अब प्रयास करेंगे अपनी एड़ियों को नितंबों से टच करने का। आ जाएंगे वापस, विश्राम, एड़ी पंजे मिलाएं। अब हम करेंगे ताड़ासन, दोनों हाथों को क्लैंप करके रख ले अपने सर के ऊपर, गहरा लंबा श्वास भरे और श्वास भरते हुए अपने भुजाओं को कर दे एकदम सीधा, भुजाओं को तानेंगे ऊपर से ऊपर, जब भुजाएं तन जाए तब उठा देंगे एड़ियां भी।
हमारे शरीर की प्रत्येक नस नाड़ी प्रभाव में आती हुई। लगातार अभ्यास करने से मोटापा भी कम होता है। आएंगे वापस, हाथ अभी सर पर ही रहेगा। पुनः भरेंगे गहरा लंबा श्वास, हाथों को ताने ऊपर और अब की बार ट्विस्ट होंगे राइट साइड अपने कटी भाग से। पंजों को ना हिलाएं, घुटने और पंजों की स्थिति वही रहेगी। गर्दन को भी ले जाएं पीछे। आएंगे मध्य में, ताने हाथों को ऊपर और अब की बार मुड़ेंगे लेफ्ट साइड। एड़ी पंजे मिले रहे। आएंगे मध्य में और अब तानते हुए साइड से हाथों को ले आएंगे वापस। विश्राम। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन भाग दो। अपने पांव में कर लें अधिक से अधिक दूरी। दोनों हाथों को ले आएंगे 180 डिग्री पे। अब अपने दाहिने पंजे को घुमाकर कर दे बाहर की ओर। अब धीरे धीरे झुकेंगे दाईं ओर। दाया हाथ हमारा खिसकते हुए पहुंच जाए टखने के पास और अब अपनी गर्दन को घुमाकर ऊपर वाले हथेली को देखेंगे। कोशिश करें साइड से झुकें, ध्यान रहे घुटने ना मुड़े, घुटने एकदम सीधे, दोनों हाथ 180 डिग्री पर ही रहेंगे, ऊपर वाला हाथ एकदम सीधा। आएंगे धीरे धीरे वापस, पंजे को घुमा ले वापस सामने की ओर। हाथ नीचे, इसी स्थिति में करेंगे थोड़ा विश्राम। पुनः लेके आए अपने हाथों को 180 डिग्री पर। अब की बारी दूसरे पंजे का रुख कर दे बाहर की ओर और अब धीरे धीरे बाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। गर्दन को घुमाकर देखेंगे ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। कम झुके कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी घुटना नहीं मोड़ेगा। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस, हाथ तानते हुए नीचे, पांव में दूरी कम, करेंगे विश्राम। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। पांव में कंधों जितनी दूरी, दोनों हाथ को रखेंगे कमर पर, पीछे से अपने अंगूठे मिला लें। रीढ़ के निचले भाग पर अंगूठों से प्रेशर देते हुए धीरे धीरे झुकेंगे कमर से पीछे।
घुटने सीधे, थाई का प्रेशर आगे की ओर, धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हाथ नीचे, करेंगे विश्राम। अब करते हैं कुछ हाथों की क्रियाएं। अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें और अब अपने पूरे हाथ को घुमाएंगे गोल गोल। दोनों हाथों को इकट्ठा, कोनिया सीधी, कोनिया ना मुड़े, बनाएंगे बड़े से बड़ा सर्कल। कोनिया सीधी, कोनिया मुड़ रही हैं कुछ साधकों की। रिवर्स करेंगे अब इसी को दूसरी ओर। अब अपने हाथों को कंधों के सामने ले आएं। अब की बार सिर्फ कलाइयों को घुमाएंगे। कोनिया सीधी, हाथ तने हुए, सिर्फ कलाई घूमेगी। रिवर्स, आ जाएंगे वापस। अब हम करेंगे थोड़ी जैक जंपिंग। जब पांव खोले तो दोनों हाथ ऊपर और जब पांव वापस तो हाथ भी वापस। करना शुरू करें। जिन साधकों को समझना आए वो आगे जिज्ञा को देख ले। कोनिया सीधी, आ जाएंगे वापस, करेंगे विश्राम। विश्राम के समय आंखें बंद, अब हम करेंगे उठक बैठक। दोनों हाथों को ले आए सामने, जाएंगे नीचे एक, ऊपर दो, ऊपर तीन, ऊपर चार, ऊपर पांच। कोशिश करें जब ऊपर आए तो कमर सीधी हो। ऊपर, दोनों हाथ नीचे,
धन्यवाद प्रज्ञा, बहुत सुंदर अभ्यास। पूरा शरीर हमारा तैयार हो गया है। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, मन मना लें, एड़ी मिला लें, पंजों को खोल दें, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। पहली स्थिति, ध्यान आपका भगवान सूर्य के चरणों में। ॐ मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर, अधिक से अधिक खींचें, कलाई को बिल्कुल सीधा रखें, पांचों उंगली मिलाकर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी रखकर थोड़ा सा पीछे की ओर आर्क बनाएं। करें करें कोशिश करें जी, कोशिश में जरा सी भी कमी ना आने दें। विशुद्धि चक्र प्रभाव में है, ताड़ासन के सारे लाभ आप ले रहे हैं। मुस्कुराते रहें, एक गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। तीसरी स्थिति, घुटने में खम नहीं आएगा बिल्कुल भी, प्रयास करेंगे माथा भी घुटने के निकट पहुंचे। बहुत बढ़िया कोशिश, वेरी गुड वेरी गुड। सभी साधक साधिकाएं कितना अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि स्नान करके जुड़ रहे हैं आप लोग, रात को भोजन भी हल्का कर रहे हैं, पेट पर बड़ा अच्छा प्रभाव आ रहा है इस वक्त, मेरे पाचन अंग स्वस्थ हो रहे हैं। पूरी हथेली आसन पर जमाएंगे, राइट लेग को अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएं, जितना संभव हो पीछे से पीछे, कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर, दोनों क्रियाएं साथ साथ हों जी। करिए करिए करिए, पूरी हथेली आसन पर जमाएं जी। लीवर हमारा देखिए खिंचा हुआ है, पैनक्रियाज हमारी दबी हुई है, जुड़े उनके साथ। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं, लेकिन पंजों को आगे नहीं लेकर आएं, वहीं पर एड़ी आसन पर बिल्कुल भी हिलाएं नहीं है जी, ना हाथों को ना पंजों को, लगे ना लगे एड़ी, लेकिन कोशिश करनी है जी आपने। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी आप लोग। रुकें रुकें रुकें, फायदा रुकने से ही होगा। अंगूठा अलग हो रहा है जी, अंगूठा उंगली के साथ मिलाकर रखें। वेरी गुड, यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आए और ठहरे यहां पर। बहुत शानदार, बिल्कुल कंधे से लेकर एड़ी तक एक सीध में होना चाहिए शरीर, ना हिप्स नीचे की ओर जाएं ना ऊपर की ओर, बिल्कुल स्ट्रेट। अपने साथियों को बोलिए, परिवार के सदस्यों को बोलिए, फोटो लेकर बाद में आपको दिखाएं, या आप बाद में देखें यूट्यूब पर। बहुत बढ़िया, यहीं से आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में। थोड़ा सा नाभि को संकुचित करके रखें, ऊपर की ओर रखें, कोशिश करें नाभि आसन को टच ना करे। मुस्कुराते रहिए, अनाहद चक्कर प्रभाव में है, पंजे पांव के मिले हुए हैं जी, घुटने भी मिले हुए हैं, कोहनी भी मेरी आकाश की ओर है। बहुत सुंदर स्थिति, बहुत ही सुकून देने वाली स्थिति।
मुस्कुराएंगे, हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठा देंगे, लगातार प्रेशर थाई का आसन की ओर, गर्दन का प्रेशर धीरे धीरे पीछे की ओर, गर्दन इतनी पीछे हो जाए कि मेरा माथा सवते ही आकाश की ओर हो जाए जिज्ञा की भांति, और यहां पर मुस्कुरा कर रुके। देखिए मेरी रीढ़ की हड्डियां, रीढ़ की गोटियां कितने सुंदर ढंग से प्रभाव में हैं। मेरे पेट की एक एक कोशिका, एक एक मांसपेशी पूरी तरह खिंचाव में है। रीढ़ अगर मेरी स्वस्थ, पूरा शरीर मेरा स्वस्थ। रुके मुस्कुराकर रुके, बहुत क्षमता है हमारे अंदर। और श्वास छोड़ते हुए आएंगे अगली स्थिति में, श्वास को छोड़ते हुए एक बार फिर से एड़ी को आसन पर टिकाइए, कोशिश करिए हिलाए नहीं जी, वहीं पर आपके हाथ और पांव रहें ताकि आपको पूरा प्रभाव मिले, पूरा लाभ मिले। थोड़ा और चेस्ट को अंदर लेकर जाएं ताकि मेरे वी शेप बढ़िया बने। ईश्वर की कृपा से देखिए कितना बढ़िया हमारा योगाभ्यास हो रहा है। मुस्कुराते रहें जी, मुस्कुराते रहें। यहीं से लेकर आएंगे राइट लेग एक बार में आगे, एक बार में ना आए, दूसरी बार में प्रयास करना चाहिए जी। कोशिश जरूर करनी चाहिए हमें कि 15 उंगलियां मेरी एक लाइन में हो, कमर मेरी नीचे से नीचे हो, गर्दन मेरी ऊपर से ऊपर हो, लेकिन पल भर के लिए भी चेहरे पर तनाव नहीं, कोई बेचैनी नहीं। लीवर आपका खुश हो रखा है जी। दूसरी टांग भी आगे लेकर आए और कोशिश करें कि मेरे दोनों हाथ जो है पंजे के दाएं बाएं पूरी तरह जम जाएं। घुटने को पीछे धक्का दें, घुटने को धक्का दें जी, ताकि मेरी मांसपेशियों में और खिंचाव आए। कोशिश करें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बड़ा अच्छा अभ्यास कर रहे हैं जी, सभी मुस्कुराकर कर रहे हैं, सभी आंख बंद करके कर रहे हैं। होगा करने से ही मुस्कुराइए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कर दें, तान दें ऊपर से ऊपर, बना दें पीछे की ओर आर्क। कोशिश सभी करें जी, हर कोशिश पिछली कोशिश से बढ़िया हो। भुजा कान से लगना करें जी बिल्कुल भी, कोहनी को तो बिल्कुल भी टिल्ट ना होने दें। कलाई मुड़ रही है जी, कलाई को मत मोड़िए। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में, आंखें बंद रहे, पूरे शरीर में आई हुई इस ऊर्जा को महसूस करें, प्रकाश को महसूस करें। भगवान सूर्य का धन्यवाद करते हुए, मुस्कुराते हुए बिना आंख खोले आसन पर बैठ जाएं, लेट जाएं, सब आसन में पूरी तरह शरीर को विश्राम दे दें, एकदम सामान्य कर दें। अब कोई हिलडुल ना हो जी, केवल और केवल शरीर का मानसिक अवलोकन। इतना आनंद, इतनी खुशी का एहसास होता है जब समय से हम जुड़ते हैं, एक एक क्रिया में हम पूरी तरह से भाग लेते हैं, अपनी तरफ से 100% देते हैं जी।
एक ही प्रार्थना, इसी प्रकार हम प्रतिदिन जुड़ें और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। मुस्कुराइए, एड़ी पंजे मिलाइए, राइट साइड में करवट लीजिए और उठ करके बैठ जाइए। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव घुमाएंगे लेफ्ट साइड से और वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ बिल्कुल सीधी, होठों पर मुस्कान। इस आसन में ज्यादा से ज्यादा बैठें, मुस्कुराते रहें। वज्र आसन में बैठने वाले दो आसन जिज्ञा करवाएगी और मैं डेमो के लिए बैठूंगा। सुप्रभात, आइए करते हैं उष्ट्रासन। दो अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं, घुटनों से पंजों तक का भाग कंधों के समानांतर। अब अपने दोनों हथेलियों को रखें अपनी कमर पर, अंगूठा पीछे रीढ़ के निचले भाग पर मिला हुआ, चारों उंगलियों का रुख आगे की ओर। अब अपने अंगूठों से रीढ़ की ओर प्रेशर देते हुए पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करें। धीरे धीरे झुकेंगे। जब कमर आपकी दोहरी हो जाए तब दोनों हाथों को कमर से हटा के रख लें अपने तलवों पर। हाथों का सिर्फ नाम मात्र सहारा। हमारा पूरा शरीर एक चौकोर बन जाए। बहुत ही सुंदर प्रयास सभी का। रीढ़ के दोष समाप्त होते हुए सर्वाइकल हमारा प्रभाव में आता हुआ। अब अपने हाथों को ले आएंगे पुनः अपनी कमर पर और धीरे धीरे कमर को सीधा करें। आ जाएंगे वापस वज्रासन, करेंगे तनिक विश्राम। चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। आइए करते हैं शशक आसक भाग दो। अपने दोनों घुटनों को ज्यादा से ज्यादा खोल लें, पीछे से पंजे अलग ना हो। हमारे पैरों के अंगूठे आपस में टच हों। दोनों हथेलियों को रखेंगे आसन पर और धीरे धीरे आगे खिसकाते हुए ठुड्डी को बाहर रखते हुए झुकना प्रारंभ करें। ठुड्डी का रुख बाहर की ओर और अब ठुड्डी को लगा देंगे आसन पर। प्रयास करें कि हमारे नितंब हमारी एड़ी से ना उठें और यदि उठे तो बहुत थोड़े से। बहुत ही सुंदर प्रयास सभी का। शशक आसन भाग दो करने से थाई की चर्बी कम होती है। अपनी व्यक्तिगत साधना में इस आसन को 5-7, 7-10 मिनट ऐसे करें। आंखें बंद, सामान्य श्वास। जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार आएंगे धीरे धीरे वापस। पैरों में फासला कम, वज्रासन में विश्राम।
धन्यवाद जिज्ञा, इतना सुंदर अभ्यास, बहुत ही बढ़िया। यहीं से सभी आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर। पेट के दो आसन मैं चाहूंगा सगुफ्ता कराए। भुजंग आसन की स्थिति लेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने लिटाकर बाहर की ओर, दोनों हाथ रखेंगे मुख के दाएं बाएं, माथा आसन पर, कोहनियों को पसलियों से सटाने का प्रयास करें, अंगूठे उंगलियां मिली हुई, माथा आसन पर। बहुत अच्छी कोशिश आप सबकी। धीरे धीरे अब माथा उठाएं और गर्दन पीछे से पीछे कर दें, श्वास भरते हुए चेस्ट को उठाएं, धर को उठाते जाएं, वजन को पेड़ों पे आने दें, कोहनी भी हमारी स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे उठ जाएगी। ध्यान रखना है हथेलियों पर नाम मात्र का वजन आए। बहुत ही सुंदर आसन, पीछे से हमारे एड़ी पंजे मिले रहें, घुटने भी आपस में मिले रहें, सर्वाइकल भाग हमारा प्रभाव में, कमर दर्द में आराम मिलता है भुजंग आसन से। रुकें, पांच की काउंटिंग तक रुकने का मन बनाएं। एक, दो, तीन, चार, पांच। धीरे धीरे वापस पहले चेस्ट, माथा, अब शिथिल आसन बाईं ओर, और बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए, शरीर पूरी तरह ढीला, मन शांत, रिलैक्स, ध्यान आती जाती सांसों पर। रिलैक्स, धनुरासन की स्थिति लेंगे, आ जाएं पेट के बल दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ थाई के पास, दोनों पैर को इकट्ठा मोड़िए, अब दोनों हाथों से टखनों को पकड़िए। बहुत अच्छा, प्रारंभिक स्थिति अच्छी होगी तो पूर्ण स्थिति भी अच्छी होगी। गहरी सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए घुटने को उठाइए, थाई को भी उठाइए, और श्वास भरते हुए आगे से धर को उठाइए, चेस्ट भी उठाइए, गर्दन को भी पीछे से पीछे, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा ज्यादा। रुकिए, रुकने से ही फायदा, पेट का फैट कम होता है, कंधे में मजबूती आती है इस आसन से, सशक्त आसन है ये। चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखें, पूरा शरीर प्रभाव में। वेरी गुड जिज्ञा, बहुत अच्छा। पांच की काउंटिंग तक रुकें। एक, दो, तीन, चार, पांच। धीरे धीरे वापस सामान्य श्वास, आ जाए मकर आसन, दोनों हथेलियां माथे के नीचे, मकर आसन तीसरी टाइप का। रिलैक्स, पूरी पूरी शरीर ढीला छोड़ दें, आते जाते सांसों पर, पैर के पंजे बाहर की तरफ लुढ़के हुए,
रिलैक्स। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया अभ्यास। मुस्कुराते रहिए, यहीं से आ जाएंगे राइट करवट लेकर पीठ के बल। बहुत सुंदर अभ्यास करवाया भी और सभी ने इतना सुंदर अभ्यास किया भी। इन दोनों आसनों से हमारे कमर के दोष समाप्त हुए, हमारा मोटापा कम हुआ। आइए अब हम करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, एड़ियों को शरीर के पास लादे लेकर आए, पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए, श्वास भरते हुए दोनों घुटने जाएं राइट साइड में, गर्दन जाए लेफ्ट साइड में। पीक पोजीशन पर पहुंचकर सामान्य श्वास में रुकें, घुटने से घुटने को दबाएं, एड़ी से एड़ी को दबाएं, अंगूठे से अंगूठे को दबाएं। आंखें अवश्य बंद रहे, ध्यान पूरी तरह सुंदर प्रभाव पर, रीढ़ के सुंदर कर्व के ऊपर। कमर दोष को ठीक करने के लिए रामबाण। बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। थोड़ा सा हाथों को और खींच लें और चेक कर लें अपने हाथों को, 180 डिग्री पर ही होने चाहिए, अंगूठे उंगली मिले होने चाहिए जी। मुस्कुराइए, श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे मध्य में। एक सिमिट्री हो, एड़ियों को निकट ले लें, पांव की पोजीशन ठीक करके श्वास भरते हुए घुटने जाएं बाईं ओर, गर्दन जाएं दाईं ओर। करें 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 जी करें, प्रयास में कोई कमी नहीं। आजकल कमर का रोग बड़ा ही कॉमन हो गया है, सर्वाइकल बड़ा ही कॉमन हो गया है। इस क्रिया के करने से आपका कमर दर्द ठीक हो रहा है, रीढ़ लचीली होने से सर्वाइकल में भी लाभ मिलता है। दबाएं दबाएं, घुटने को दबाना है लगातार, लगातार कोशिश करनी है। मेरी एड़ी से एड़ी चिपकी रहे, अंगूठे से अंगूठा चिपका रहे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। इतने सारे साधक साधिकाओं को एक साथ सुंदर साधना करते हुए देखकर कोशिश करें हमारे परिवार के बाकी सदस्य भी हमारे साथ ही जुड़ें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पांव को सीधा कर दें, हाथों को भी आगे ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। आंखें बंद, आंखें तभी खोलनी है जब मुझे कुछ समझ में ना आए। हम सब रेगुलर साधक हैं जी। आइए जल्दी से आज का अंतिम आसन करेंगे, मत्स्य आसन करेंगे। अपने दोनों हाथ हिप्स के नीचे रख लें, कोहनी के बल उठ जाएं, आगे से धड़ को उठा लें, कोहनी के बल उठाइए, चेस्ट को भी उठाएं और गर्दन को पीछे से पीछे करें और माथे वाले भाग को धीरे से आसन के ऊपर बड़े आराम से टच कर दें और इसी अवस्था में पंजों को तान कर रुक जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितनी सुंदर स्थिति। एक विशेष कर्व बनता है मेरी चेस्ट के नीचे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए लेकिन कोशिश होनी चाहिए। जब हमारी स्थिति बने तो माथे वाला भाग
उस तरफ का मेरा सर आसन को धीरे से टच करे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, इतनी सुंदर साधना, इतना बढ़िया अभ्यास आपको करते हुए देखकर बड़ी प्रेरणा मिलती है। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना है हमने। अब एक बार अपनी कोहनी का सहारा लेकर आएंगे एक बार, और अपनी गर्दन को कंधों को उठा दें थोड़ा, और धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे, आराम से वापिस आएंगे। सब आसन दोनों पांव में सुविधा के हिसाब से गैप कर लीजिए, हाथों को थोड़ा अलग करके उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए, और पूरे शरीर की मानसिक यात्रा करें। एक पल के लिए भी प्रसन्नता कमना हो, अपने भाग्य को सराहिए जो सुबह सवेरे आप इस योग गंगा में डुबकी लगाते हैं। प्रभु के दिए हुए इस दिव्य शरीर को स्वस्थ रखते हैं। स्वस्थ शरीर से बढ़िया कोई धन नहीं जी, इस बात पर अवश्य विचार करें। योग हमारे जीवन की टॉप प्रायोरिटी होगी। जिस दिन योग नहीं करेंगे उस दिन हम कम से कम एक समय का भोजन अवश्य छोड़ेंगे। दोहराते हुए इस संकल्प को चेतन अवस्था राइट साइड की करवट उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन हो, सुखासन हो, वज्रासन हो, जैसे भी आपको कंफर्ट लगे बैठें, और मस्ती भरी हंसी पूरे परिवार के साथ मन बनाए हंसना प्रारंभ करें। और जोर से हंसते जाएं, पूरी मस्ती के साथ रोम रोम प्रफुल्लित। आज की अंतिम आवृत्ति शांत, बिल्कुल शांत हो जाएं। ये जो प्रसन्नता, ये जो मुस्कुराहट, ये जो खुशी हमें मिल रही है, इसको ऐसे ही बना के रखना है, पूरे दिन बना के रखना है। जिस किसी से भी मिले बड़े उत्साह के साथ मिले, खुश होकर मिले, मुस्कुराकर मिले। योग आपकी पर्सनालिटी में झलके बिना बताए, लोगों को समझ में आए कुछ आप अद्भुत कर रहे हैं, और ये योग द्वारा ही संभव है। सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, आंखें कोमलता से बंद है। जो पद्मासन लगा सकते हैं वो लगा रखा है जी उन्होंने, बहुत बढ़िया। आइए कपाल भाति का अभ्यास करेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें दोनों हाथों से घुटनों को पकड़कर, और अब आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वास को भरें। अधिकाधिक श्वास भर जाए, मूल बंद लगाएं, शक्ति लगाएं, दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें, नेचुरल रूप से भरने का इंतजार करें। पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें, सुंदर आवृत्तियों को दोहराएं। आंखों को बिल्कुल भी ना खोलें जी,
करते जाएं जी, करते जाएं। दो आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखना है, इतना अंतर कि श्वास स्वतः ही भर जाए, अधिकाधिक भर जाए। जिस वक्त श्वास छोड़ने में शक्ति लगाएं, उसी वक्त पेट को अंदर खींचें। दोनों क्रियाएं मेरी साथ साथ चलें। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सामने से कोई देखे, चेहरे पर आपके खुशी हो और केवल पेट की मूवमेंट नजर आए उसको, बाकी शरीर में स्थिरता हो। बहुत बढ़िया। थोड़ा कमर को और सीधा करें जी, कुछ साधकों की कमर झुक जाती है और ये अभ्यास द्वारा ही आप लगातार जब ध्यान रखेंगे, प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, तभी जाकर कमर सीधी होने की हमारी आदत बनेगी। कोई भी योग का प्रोग्राम आप अटेंड कर लीजिए, कोई भी शिविर अटेंड कर लीजिए, किसी भी योग गुरु की चर्चा सुन लीजिए, कपाल भाति प्राणायाम सभी का फेवरेट है जी। बहुत लाभ है इसके, करते जाएं पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी सिद्धत के साथ। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी को मैं देख पा रहा हूं, सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है। जो भी हमारे साथी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, वो भी प्रसन्न होकर करें, शक्ति उतनी ही लगाएं कि चेहरे पर सहजता बनी रहे। करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। हर आवृत्ति में प्राण शक्ति का सर्जन हो रहा है, मेरे लंग्स स्वस्थ हो रहे हैं, पेट की अतिरिक्त चर्बी कट रही है जी, चेहरे पर चमक आ रही है, माइंड के सारे सेल्स मेरे एक्टिव हो रहे हैं। मुस्कुराइए, अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़ दें। बाह्य कुंभक में रुके, मूल बंध लगाकर रुके, मूल बंध निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर सिकोड़ लेना, संकुचित करना। जब लगे संभव नहीं, धीरे धीरे मूलबंध खोलें, आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वास भरें और भरे हुए श्वास में भी रुकें, फिर से मूलबंध लगाएं। जब ना रुका जाए, सामान्य श्वास, रीढ़ गर्दन सीधी ही रखें, देखें इसके प्रभाव को। प्राणायाम शुरू करने से पहले क्या मेरे मन की स्थिति थी और इसके बाद क्या
क्या परिवर्तन मुझे नजर आ रहा है? चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे। हल्की आज गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही है, ये हमें बड़ी राहत देगा जी। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अंगूठा रखें दाई नोस्टल पर, अनामिका रखें बाई नोस्टल पर। अनामिका को हटाएंगे, लेफ्ट साइड से चार की काउंटिंग में श्वास को भरें। नासिका बंद करके आठ की काउंटिंग में श्वास को रोक दें, या अपनी क्षमता के हिसाब से रोक दें, और फिर अंगूठे को हटाकर आठ की काउंटिंग में ही श्वास को बाहर निकाल दें। उन्हें आपने लेफ्ट साइड से ही चार की काउंटिंग में श्वास भरना है। दोनों नासिकाएं बंद करके श्वास को रोकना है और फिर अंगूठा हटा के राइट साइड से श्वास को बाहर निकालना है। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराना है जी। जो मेरे साथी श्वास रोकने में परेशानी महसूस करें, नए साथी हों, वो अनुलोम विलोम का अभ्यास करें या इसी का अभ्यास करें, लेकिन श्वास को रोके नहीं। आंखें लेकिन सभी बंद करेंगे जी। नए साथी हों, बुजुर्ग साथी हों, युवा साथी हों, कमर सब सीधी रखेंगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर श्वास में प्रभु को फील करना, ये श्वास ही तो जीवन है। इन श्वासों के कारण ही तो हम प्राणी कहलाते हैं। जुड़े इन श्वासों के साथ, एक एक श्वास इस प्रकार आए, मेरे पूरे शरीर में उससे अधिक से अधिक ऊर्जा मिले। श्वास की आवाज नहीं आएगी, ना श्वास छोड़ने की आवाज आएगी जी। चंद्र नाड़ी मेरी प्रभाव में है। हर बार मैं बाईं ओर से ही श्वास भर रहा हूं, भर रही हूं। आप महसूस करेंगे ठंडक को। जिनको हाई बीपी रहता है, तनाव रहता है, छोटी छोटी बातों में जो व्यग्र हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, उनके लिए तो बहुत अधिक रिकमेंडेड है ये प्राणायाम। बहुत बढ़िया, थोड़ी सी मुस्कुराहट को और बढ़ाएं। आप 1% से भी कम लोगों की कैटेगरी में हो, विशेष कैटेगरी में हो, जो सुबह सवेरे उठकर अपने शरीर को, मन को स्वस्थ बनाने के लिए सुंदर सामूहिक योग साधना करते हो। ये उसी के लिए संभव होती है जिन पर ईश्वर की कृपा होती है। ये हमारे पूर्व जन्मों का फल होता है, हमारे गुरुजनों का, पेरेंट्स का आशीर्वाद होता है। करते जाइए जी।
राइट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएगा। फिर से सुंदर अनुभूति, उन्हें कमर सीधी है, उन्हें प्रभाव को देखिए। कोई हिलडुल ना हो जी, पूरा ध्यान मेरा अपनी साधना पर हो। आइए प्रभु का ध्यान करेंगे और ध्यान के दौरान ही हम अपने माइंड को प्रभावित करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम का लाभ लेंगे। ओम की लंबी ध्वनि करेंगे 1 और 3 के अनुपात में। 1 के अनुपात में ओ बोलेंगे और फिर जो 3 times जो समय लगेगा उसके अंदर हम ऊ और मैं का उच्चारण करेंगे और माइंड को वाइब्रेट करेंगे। वो ध्वनि कम होती जाएगी, माइंड को वाइब्रेट करती जाएगी। अपनी सुविधाजनक स्थिति में बैठें, हाथों को भी अपनी सुविधा के हिसाब से रखें, पूरी तरह मन मनाएं, मुस्कुराएं, श्वास भरें और मेरे साथ प्रारंभ करें।
बिल्कुल शांत भाव से बैठ, मन ही मन प्रभु का ये दिव्य नाम हर श्वास पर श्वास में चलता रहे, विशेष उत्पन्न होती हुई वाइब्रेशन को देखिए, जो विशेष स्पंदन हो रहा है इसको महसूस कीजिए। यही तो मेरे प्रभु की अनुभूति है, यही तो मेरे प्रभु का सानिध्य है। कितना आनंद, कितनी खुशी का एहसास, कितना सुकून मिलता हुआ। ये प्रभु कैसे हम आपका शुक्रिया करें, इतने मूढ़ हैं हम, इतने अज्ञानी हैं, बार बार आपको भूल जाते हैं प्रभु, बार बार इन भौतिक वस्तुओं की ओर आकृष्ट हो जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। प्रभु प्रतिदिन हम जुड़े आपसे, प्रतिदिन इस आनंद को लूटें, प्रतिदिन इस योग मानसरोवर में डुबकियां लगाएं प्रभु। बस प्रभु ये कृपा ऐसे ही बरसे, मेरे सगे संबंधी, मेरे सहयोगी, मेरे आसपास के सब लोग योग से जुड़ जाएं प्रभु। खुशबू तभी आएगी जब मेरे चारों ओर खुशबू फैलेगी, और वो योग से जुड़ेंगे तभी होगी, सब लोग जुड़ेंगे प्रभु तभी होगी। बार बार प्रभु के सामने यही विनती करते जाइए, मुस्कुराते जाइए, महसूस कीजिए प्रभु का हाथ अपने सर पर, एक विशेष ऊर्जा, विशेष उत्साह, विशेष एनर्जी। आइए प्रभु को हृदय में धारण करके सुंदर कक्षा को विराम देते हैं। एक लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। लीजिए गहरा लंबा श्वास। ॐ दौ शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ॐ शांति शांति शांति।
कोई हिलडुल ना हो, पूरा दिन इस शांति को हमने बना के रखना है, ऐसे ही हमने खुश रहना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है, उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट लेकर आनी है। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न कीजिए और इस उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए। बड़ी कोमलता के साथ धीरे से नेत्रों को खोलें, भगवान सूर्य के दर्शन करें, अपने परिवार के सदस्यों का, पेरेंट्स का मन ही मन अभिवादन करें जिनके सहयोग से हम प्रतिदिन जुड़ पा रहे हैं। आज की सुंदर कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी YouTube से, Zoom से जुड़े हुए साधक साधिकाओं का कोटि कोटि धन्यवाद। आज विशेष इसमें योगदान रहा सगुप्ता का, जिज्ञा का, प्रज्ञा का, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग प्रतिदिन जुड़ें, पूरे परिवार के साथ जुड़ें, समय से जुड़ें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं।